वो 70s 80s की मूवीज में होता था कि यू नो दो बिछड़े मिल गए. आई डोंट नो आई मीन इज इट अ आई डोंट नो ड्रीम और असली हूँ. मुझे तो ये भी नहीं याद यार मैंने लास्ट टाइम अपने लिए विश कब मांगी थी. आई मीन सारे फेस्टिवल्स पे सारे मंदिरों में. इनफैक्ट ये देख मेरे पास 11/11 के कितने सारे स्क्रीनशॉट सेव हैं. You really believe that? What other option did I have? अकेला था, भाई बहन को ढूंढ रहा था, इतने साल हो गए. But I guess like shit happens, miracles happen too. It is a miracle. But बचपन में तो इतने annoying नहीं देखी किसी ने भी adopt नहीं. I don't know मतलब किसी ने भी नहीं. किसी ने नहीं. तो फिर मैनेज कैसे किया? कर लिया. मैगी खाई. पता इतने साल से सोच रहा था कि भाई बहन मिलेंगे तो उनको ये बताऊंगा वो बताऊंगा उनसे पूछूंगा. पर अब जब मेरी बहन मुझे मिल गई है तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं. कुछ बिसरे से याद थी फिर आ गया है दर पे मेरे ढूंढे अपना कोई. ओ, 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 आलिया स्टे काम यार. अच्छा एक काम करो पेटिशन सर्कुलेट करवाओ. कुछ डॉक्टर्स से सिग्नेचर्स ले लूंगा. बट इस वक्त ना यूथ की वॉइस को एम्पलीफाई करना बहुत ही नेसेसरी है. बट वो करेंगे बाद में फॉर श्योर. सलीके से पेश आना वहां पर ठीक है. और कोई तुम और लड़की को ढंग से देखना ठीक है. हाँ हाँ समझ गए मैं. आप चलो मैं एक मिनट में आता हूँ. देख रही हूँ उसको आ जाएगा. जी मैडम. लिसन मैं तुम्हें एक ना लिंक शेयर करूंगी उस पर यस क्लिक करना है और जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना उन्हें शेयर कर देना. इस लड़की को ना इसी के लैंग्वेज में जवाब देंगे. पुनीत को जेल भेजेगी वो. रहीम चुप क्यों? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है वो झूठ बोल रही है. बिल्कुल आपने कह दिया गलती है. मैं तुम्हें लिंक शेयर कर रही हूँ. ओके. आलिया गौरव को यार आज सी यू लेटर. ओ वेट या आज के मलंग फेस्ट पे जरूर आना. एक तो दोस्त होना चाहिए ना सपोर्ट करने के लिए. अस्सलाम वालेकुम. कैसे बेटा सब खैरियत? अरे इधर आके भी फोन पे लगे हो. हम ना बेटी से तो बातें कर लो. अच्छा रख दो बेटा हम ले लेंगे. इनको दो बेटा. शुक्रिया. हम ना अरे बेटा ये तो अपने दोस्तों और काम में ही मसरूफ रहता है. तुम ही कुछ बात कर लो इससे. आपकी हॉबीज क्या क्या है? मैं पेशे से ड्राइवर है. दिन रात घूमते हुए रास्ते से लोगों को उठाकर उनको उनके जगह पर छोड़ता है. और इनका पेशा है अपनी औलाद को झूठा शरीफ बताकर घर ऐंठने के लिए निकाह पढ़वाना. क्या बोल रहे हैं? अब क्या? कुछ नहीं है जस्ट बुद्धि जिंदा. अरे मतलब तेरे को एक घर छोटा नहीं लगा? बेड भी सिंगल है कमरा भी एक है. आई थिंक जिम वाला कमरा तेरा बना देते. कबीर आई थिंक आई विल स्टे विद माय मॉम. उन्हें मेरी जरूरत है. हम दो भाई बहन ऐसे हो. मैं ज्यादा सोच गया. आइसक्रीम. सॉरी जस्ट आइसक्रीम. स्टे याद है वो आलिया को
कान की कुल्फी बहुत पसंद थी यार। अंकल जल्दी दो ना, बोल ना। अरे अंकल जल्दी दो ना, कब से बोल रही है ये? टूटी सी थी ये जिंदगी। जब सडनली पुराने जैकेट में कोई फिल्म की टिकट मिले, या जीन्स के पॉकेट में पैसे, या फिर यू नो दिवाली क्लीनिंग में खोई हुई फेवरेट नॉवल मिल जाए, उसके पन्नों की वो खुशबू, ये जो सेंसेस है ना, सारी मेमोरीज फ्रेश कर देती हैं। जब कोई पुरानी चीज, पुरानी याद सडनली तुम्हारे सामने आ जाए ना, तो उसकी खुशी, द एक्साइटमेंट इज अनदर लेवल। ऐसा लगता है जैसे पास्ट में जो स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई थी, मिड वे यू नो, वो वहीं से आगे कंटिन्यू होने वाली है। एंड नथिंग हैज चेंज्ड। अपनी चीजें, अपनी यादें और अपनों की यही तो स्पेशलिटी होती है। सामान निकाल के रख दिया तेरा? क्यों? तू जाएगी ना? भाई मिल गया है तो, मैंने देखा वो तुझे ड्रॉप करने आया था, पिकअप करने भी आ जाएगा। यू कैन टेक माय रेड सूटकेस, ओके? ज्यादा सामान आ जाएगा उसमें। आपको पता है जब आपने मुझे अडॉप्ट किया था, उस दिन एक्चुअली मैंने आपको अडॉप्ट किया था एज माय माता। And I'm never gonna leave you. Thank God. Thank you. मैं एक्चुअली ना इतना डर गई थी, you know, and then you know what I thought. तुझे रचना पता है ना? इधर उसके यहाँ पे दो पापीज हुए हैं। But I thought I'll bring one puppy home. इसका मतलब हाँ मेरा replacement ढूंढ रहे थे। I just thought तू चली जाएगी तो ये घर मुझे काटने को दौड़ेगा यार। I just thought you know like if there's some movement in the house or like you know just if some. I promise I'm never gonna leave. I swear I love you. I love you. Whoa! What an incredible and amazing performance it was from Saint Anne's College. And now the wait is finally over for our main event. Coming up next. So hold your hearts and stay steady while we come back to you in a minute. Hey, listen. As a doctor, मैं हॉस्पिटल में तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता. You can hear as Puneet's friend I'm asking you. किसी लड़के को तीन तीन बार अक्यूज करना clearly means तुम इसे टारगेट कर रही हो. मैं जानना चाहता हूँ दुश्मनी क्या है तुम्हारी पुनीत से, मतलब molestation से लेकर ड्रग केस तक. क्यों फंसाने की कोशिश कर रही हो? This is absolutely ridiculous. I don't give a fuck about what you think. Worst work lockup में, that's all what matters. Of course, जब complainant और पुलिस ऑफिसर भाई बहन हो, things get easy. Unnecessary accusations. I thought कि सिर्फ उस family की habit है, but I think उनसे जुड़े हर किसी की habit हो गई है. अब तुम सबके पास एक और reason है मुझे मेरी mom को blame करने का. So, तुम बहुत smart हो ना? तो कभी दूर से क्लियर पिक्चर देखने की कोशिश करो. अगर नहीं दिखती ना तो इट्स ओके, जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ. Hey, Kapil. Hey, doc. Later, I have to perform at the old building. अरे, listen to. There you go. ये, तू फिर आ गया? पिछले तीन साल से अप्लाई कर रहा है मैं. अब कौन स्टूडेंट नहीं ड्राइवर है तो तुम लोग हर बार मेरे को लिस्ट से बाहर कर देते हो. एक चांस दो यार, कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने का है, खाली एक बार स्टेज पर जाने का है मेरे को. कॉलेज और पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, इट्स अ प्रोसीजर. ऐसे ही कोई इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में मुंह उठा के पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. प्रोसीजर का बत्ती बना के अपनी गांड में डाल. तुम सबके सब साले चूती हो. व्हाट द फक डिड यू से? तू है क्या साले? मैं तो धार के चल रहा हूं. ओके ओके, दैट्स इट. इसको बोल चल बाहर यार. So welcoming on stage, our very first competitor of Slam Poetry Competition, the bold, the beautiful, the gorgeous, the heartthrob of Liberty University. Let's call up on stage, Alia. So let's hear it for her. Come on! When one woman speaks, the others don't listen. When one woman experiences, the others dismiss her experience. But when one woman suffers, don't we all? How can one woman rise when we deliberately make her fall?
I sit back and think of all the stories my mother told me. I sit back and hear all the stories her mother told her. But I still choose to disbelieve another woman's suffering just because it is not my own. But when a woman suffers, don't we all? How can one woman rise when we deliberately make her fall? ठोकर खाकर सीख गई हूँ मैं कि मेरे रास्ते में पत्थर तूने नहीं डाले। आओ हाथ पकड़ो, एक दूसरे को गले लगा ले। एक औरत की कहानी बनेगी हम सब की जुबानी। जब तुझ पर लगेगी आग, मैं डालूंगी पानी। Because when one woman suffers, don't we all? Hashtag women supporting women. Thank you. So coming up next, Kajal from Liberty University. So let's hear for her. Kabhi mere geet gaega tu, kabhi. When loneliness becomes your lover, you don't need any other cover. You nuzzle your head in its lonely chest. You know, you're not at your best, but you surrender. Because loneliness becomes your lover. You see people who love you. You meet people you love. Friends and family begin to take refuge, but you don't hover. Because loneliness becomes your lover. यही तो खासियत है अकेलेपन की, एक आदत सी पड़ जाती है। रिश्तों से तो अच्छा है, कम से कम मात तो नहीं दे जाती है। डर लगता नहीं मुझे अकेलेपन से, उसे तो सीने से लगा के मैं सोती हूँ। डर लगता है उन रिश्तों से जिन्हें पाकर भी मैं खो देती हूँ। Because loneliness is my lover. He is the only relationship I've ever had. स्ट्रेस मेरे लिए, पागल मेरे लिए, स्टार से मिलने की एंजाइटी। एक्सक्यूज मी, मुझे अपने फ्रेंड का परफॉर्मेंस देखने ओल्ड बिल्डिंग जाना है। कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द वे? ओल्ड बिल्डिंग? या ओल्ड बिल्डिंग तो पिछले एक साल से बंद है, वहाँ कुछ नहीं है। बाकी एक्टिविटीज फॉयर एरिया में हो रही है। Going to win. आलिया, आलिया, come fast! Winner announce कर रहे हैं. For the first prize of Slam Poetry Competition goes to none other than Alia from Liberty. I'll be self-using. Please give me a minute. Excuse me, ma'am. Yeah. I mean, thanks. I'm really honored, you know, for the award. But I just wanted to ask, Kajal's poem was really good. Bahut hi solid tha. I don't have problem in winning, but how didn't she win? I backed out. Apni poetry khatam hote hi maine quit kar diya. Because for me, poetry is not a joke. It's an emotion. And कोई बैठ के उसको फर्स्ट या सेकेंड कैटेगरी में डाले, आई थिंक इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। बिकॉज मैं किसी को अपने इमोशंस को जज नहीं करने दूंगी। इनफैक्ट कोई भी पोइट्री फर्स्ट या सेकेंड नहीं होती, पता। इट्स एन एक्सप्रेशन, इट्स एन आर्ट।
ऐसा कह के वो कंपटीशन से बैक ऑफ कर गई. एनीवे कंग्रेचुलेशंस, यू वर आल्सो वेरी गुड. थैंक यू मैम. दैट बिच रैन अवे. ऑफ स्टुपिड. नो, सो फकिंग स्मार्ट. अगर मैं उसे हेट नहीं करती ना तो फैन होती. सारा फ्लश कर दे. हाँ ब्रो, एवरी लास्ट ऑफ इट. पुनीत वाज राइट. थैंक गॉड सारा का सारा माल कॉलेज में रखा था. बट कहाँ जा रहा है? मिल जाता तो कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता था. बट वी नीड टू बी डबली केयरफुल, क्योंकि अगर कोई एक भी पकड़ा गया ना तो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे. पुनीत के चक्कर में अपने नौने लग जाते. चल चल चल. मुझे और मेरी फ्रेंडशिप को यूज कर रहा था, और वो भी ड्रग्स के लिए. एंड आज उसकी वजह से मेरे डैड उस रूम में भी. मैंने देखा था, फिर भी मैंने आई हैड माय डाउट्स बट आई स्टिल सपोर्टेड पुनीत. बट आज उसने ओडी में तुमने सपोर्ट किया उसे. यू हैड टोल्ड मी कि तुमने देखा कि उसने कुछ नहीं किया था. हां मैंने देखा था. टेल मी द ट्रुथ आलिया. आई सॉ देम. वो दोनों फिजिकल हो रहे थे. But I didn't know कि अटैकर कौन था. See, don't get me wrong. मैंने जो भी किया वो I totally understand, आलिया. तुमने जो कुछ भी किया ना अपनी दोस्ती के लिए किया. To save him. And that वो अपने डैड के अफेयर को लेके बहुत परेशान था. He was all fucked up. Imagine तब से लेके अब तक. That girl Kajal, she wasn't lying. She was telling the truth. सच बोल रही थी वो. Excuse me. Right, 15 minutes I'll be there at the hospital. Teen assistants ready rakhna. Sorry, suddenly tumhe bulaya. We are running short of staff. Please, Kajal, help us. Give me the patient's details. Pass me the speculum. Doctor, her pulse is dropping. She is losing her consciousness. अगर ऐसा कुछ हुआ तो we will have to do the vacuum extraction. मैं एक बार दोबारा पूछ के आती हूँ. We don't have time. एक बच्चा हेल्दी है. Let's save the mother. Damn it. But इनके बच्चे. Oxygen लाओ जल्दी. Internal bleeding की वजह से हम किसी एक को बचा पाएंगे. Either the mother or the baby. Many many times लोगों ने blame किया है कि मैं extreme conditions में emotionless हो जाता हूँ. Yeah, it's true. क्योंकि I really feel smart decisions को emotions की कोई ज़रूरत नहीं होती. तुम्हारा पहला चाइल्ड बर्थ केस था? चाइल्ड डेथ केस. माँ के बिना बच्चे क्या करते हैं? हमारे प्रोफेशन में डिसीजन जो हैं वो लॉजिकली लेने पड़ते हैं, इमोशनली नहीं. काजल आए, आई एम सॉरी. मैं फ्रेंड पे ज्यादा ही ट्रस्ट कर लिया मैंने. सो मच सो कि सजाने की कोशिश नहीं करी ना. आई टोटली फक्ड अप. जस्ट वांटेड से काजल आए. Sorry for what I did. Ho sake to please maaf kar do. Forgive me. That was the plan, right? Tum mujhe emotional bullshit doge na, I'll fall for it. I'm so dumb ki tum apni sob story sunaoge and then I'll think that you care for me. Tum mujhse empathize karoge and I'll let my guard down. That's what you thought, right? Cool. Ho gaya. Just go and just stay the fuck away from me now, okay? शिट, मुझे लगा था सिर्फ मेरे ही वार्ड से, मेरे ही गार्ड से. आई गेस मेरे जैसे लोग डजंट ट्रस्ट एनीबॉडी.